हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास पार्ट टू। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर हमको बायस देता है। अगर अप ट्रेंड है तो हमको बाय करना है, या डाउन ट्रेंड है तो सेल करना है। अगर वाइड रेंज मार्केट है तो हम बाय लो सेल हाई करना है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर हमको ओवरऑल आइडिया देता है कि क्या करना है, ट्रेंड क्या है और लोकेशन कहाँ है। अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको ट्रेंड देखना है, और सेकेंड चीज प्राइस कहाँ है, ट्रेंड में कहाँ है। अगर अप ट्रेंड है, डिमांड जोन में है तो हम बाय करना है। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, प्राइस मेकिंग हायर हाई हायर लो, तो अगर अप ट्रेंड में है तो हमको बाय पॉइंट, या जब पुल बैक लो बनाएगा तो हम ये बाय करना है ये पॉइंट पे। ये रेंज मार्केट है, रेंज वाइड रेंज मार्केट है तो हम बाय लो सेल आई। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हमारे दो प्रिंसिपल है मार्केट स्ट्रक्चर का। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि प्राइस एक डिफाइंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मूवमेंट देता है। सेकेंड, जब सपोर्ट ब्रेक करेगा नेक्स्ट सपोर्ट तक वो मूव देगा, या रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वो मूव जाएगा। तो हम चार्ट में डिस्कस करते इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि प्राइस मूव्स विद इन ए स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड है कि ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल लीड टू प्राइस मूवमेंट इन द नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये कि प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अंदर मूवमेंट देता है। जब ये सपोर्ट ब्रेक दिया तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो है कि नेक्स्ट सपोर्ट तक मूवमेंट आएगा। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अंदर ऐसे मूवमेंट दिया, जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा प्राइस ऐसे नीचे आएगा, फिर अगेन ये अगेन ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगेन ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ऐसे मूव आएगा। अगेन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा प्राइस अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऐसे मूव हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लोकेशन फाइंड आउट करना है, और प्राइस एक्शन चेक करना है कि सपोर्ट के पास क्या कर रहा है या रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है। अगर सपोर्ट से रिजेक्शन मिल रहा है तो हमको बाय करना है, अगर सपोर्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो हमको सेल करना है। ये रेजिस्टेंस बन गया, अब प्राइस अगेन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मूव कर रहा है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये प्राइस इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने से नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट अगेन सपोर्ट बन गया। फिर जब ये ब्रेकआउट दिया नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ये है। प्राइस ऐसे ही मूव देता है, ये अगेन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चला गया। तो इसमें क्या है, जब प्राइस एक रेंज में है तो हम बाय लो सेल आई। जब ब्रेकआउट दिया आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो जब पुल बैक टेस्ट करेगा ब्रेकआउट टेस्ट इधर ट्रेड ले सकते हैं। अगेन ये रेजिस्टेंस इधर ये रिजेक्शन नहीं मिला, ब्रेकआउट दिया आप ब्रेकआउट ले सकते हो। सेम ये मार्केट स्ट्रक्चर प्रिंसिपल। मार्केट कैसे काम करता है आप कभी सोचे, प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। जैसे ही आप कुछ सपोज कुछ चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा ये मार्केट में चल रहा है। अगर एक कुछ चीज ज्यादा पैसा है, आप कुछ खरीद रहे हैं टमाटो, अगर 200 रुपीज के जी होगा तो आप खरीदेंगे नहीं, अगर 10 रुपीज के जी होगा तो आप आराम से खरीद सकते हैं। सेम जब प्राइस ज्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा, अगर प्राइस कम रहेगा डिमांड ज्यादा रहेगा। सेकेंड चीज है कि ये तो जो खरीदने वाला माइंड में ही है, जो बेचने वाला उसका माइंड में कैसा आएगा।
अगर ज्यादा प्राइस है तो ज्यादा बेचेगा। टमाटो आप 10 रुपया में खरीदेंगे, अगर 100 रुपया टमाटो हो गया, जो बेचने वाला है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो 100 रुपया में बेचेगा। तो आप हमेशा जो खरीदेगा और बेचेगा, ये दोनों का माइंड अप पड़िए, ये मार्केट कैसे चल रहा है, एक ऑपरेटर और हम रिटेलर। तो आगे आके पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड, हायर द प्राइस फ्यूअर द डिमांड, अगेन हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, ये सेलर फर्स्ट है जो बायर्स। तो अल्टीमेटली प्राइस गो अप टू फाइंड सेलर्स, देन गो डाउन टू फाइंड बायर्स। ये पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, ये क्या बोल रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई लेके जा रहा है, अगर सेलर्स को लग रहा है कि नहीं अभी भी प्राइस ऊपर जाएगा तो बेचेगा नहीं, और वेट करेगा प्राइस ऊपर जाने के लिए, और जो खरीद रहा है वो भी सोच रहा है कि नहीं ये वैल्यू भी कम है, प्राइस और ऊपर जाएगा, वो एग्रेसिवली ऊपर खरीदेगा। जब तक सेलर्स नहीं आएंगे तब तक प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो जैसे आपको पता होगा कि प्राइस गोज थ्रू फोर फेजेस, अकुमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। पहले स्मार्ट मनी कौन है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सब फेजेस को। क्योंकि अल्टीमेटली मैं हमारा जो स्टॉक मार्केट चल रहा है वो फाइट बिटवीन स्मार्ट मनी एंड रिटेलर्स, और हमेशा स्मार्ट मनी विन करते हैं, इसलिए हम लोग को उनके साथ ही जाना है, उनका अगेंस्ट में नहीं जाना है। और स्मार्ट मनी कौन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और मार्केट को मैनिपुलेट करने का पावर उनके पास है। तो फर्स्ट फेज अकुमुलेशन। अकुमुलेशन क्या है, जैसे अकुमुलेट करना है, वो कैसे अकुमुलेट करेगा, जो ऑपरेटर जो स्मार्ट मनी, मार्केट में जितने भी स्टॉक पड़ा है जो भी सेल कर रहा है वो मैच करते हैं ऑपरेटर, मतलब रिटेलर सेल करेगा ऑपरेटर बाय करेगा, जो स्मार्ट मनी बाय करेगा वो अकुमुलेट करे, जितना होगा उतना अकुमुलेट करेगा, तब तक करेगा जब तक पूरा सेलर्स खत्म नहीं हो जाते, मतलब ये एक प्रोसेस है, डिमांड ओवरकम सप्लाई। वो कैसे करते हैं, अकुमुलेट करते हैं, सप्लाई रिटेलर सेल करेगा और स्मार्ट मनी बाय करेगा, ये हो गया। वो कैसे करते हैं, वो एक डिफरेंट रेंज में बना के, जो साइडवेज रेंज या रेंज मार्केट बोलते हैं, ऐसे रेंज मानेगा कि प्री डिफाइंड जो सेल जोन एक बाय जोन है, वो बाय जोन उसके अंदर वो बाय करेंगे, क्योंकि उनका बाय ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए वो एक डिफरेंट रेंज बना दिए कि ऊपर सेल ऑर्डर डाल देंगे, नीचे बाय ऑर्डर डाल देंगे, प्राइस एक रेंज में घूमेगा। कैसे, सपोज ये प्राइस ऐसे डाउन आ रहा है, प्राइस बहुत लो हो गया, चीप हो गया, अभी स्मार्ट मनी को लग रहा है कि प्राइस और नीचे नहीं जाएगा, हम इधर से बाय करेंगे, अच्छा रेट है। तो फर्स्ट वो जो डाउन मूव में वो बाय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी भी स्मार्ट मनी अप मूव में बाय नहीं करते, डाउन मूव में ही बाय करते हैं। ये डाउन मूव को हमको स्टॉपिंग एक्शन बोलते हैं, पहले वो स्टॉप करेंगे ट्रेंड को, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो रैली बहुत बड़ा होगा विथ वॉल्यूम, हम बाद में ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा जब तक पूरा सेलर्स खत्म नहीं हो जाते, उसको ये एक डिफाइंड रेंज में बन गया, उनका ही सेलर इधर रहेगा, उनका बाय ऑर्डर इधर रहेगा, क्योंकि उस वो इनके इसके रेंज में रेंज के अंदर वो अकुमुलेट कर रहे हैं। इधर सपोज इधर 500 बाय ऑर्डर डाल दिए, इधर बाय ऑर्डर 500 कंज्यूम हो गया, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो फिर इधर वो क्या करेंगे, अभी 200 सेल ऑर्डर डाल देंगे, वो खुद ही डालेंगे 200 सेल ऑर्डर डालेंगे, तो प्राइस अगेन इधर रेजिस्टेंस बना के नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली उनके पास 300 है अकुमुलेट हुआ स्टॉक। तो ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा जब तक सेलर्स खत्म नहीं हो जाते। जब खत्म हो जाएंगे लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो सपोर्ट बना है इसके अंदर सेलर्स है क्या, वो चेक करेंगे। तो पहले सपोर्ट को फॉल्स ब्रेकआउट देंगे, अगर सेलर्स नहीं है तो प्राइस इमिडिएटली ऊपर चला जाएगा, तो ये कंफर्म करेगा कि इधर सेलर्स नहीं है, तो प्राइस ऐसे वो फिर ऊपर चला जाएगा। इसको हम स्टॉप हंटिंग और शेकआउट स्प्रिंग आप जो भी कुछ बोल सकते हैं। अगर इधर सेलर्स है तो अगेन सेम प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे चलेगा, फिर सेकेंड टेस्ट तक ऐसे टेस्ट कर अगेन ऊपर चला जाएगा।
ये एक प्रोसेस है अकुमुलेशन का, हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। हाउ ट्रेंड चेंज, अभी जो डिस्कस किए थे, अभी इधर ग्राफ में मैं डिस्कस किया है प्राइस हायर लोअर हाई लोअर लो बना के डाउन आ रहा है, तो इधर स्टॉपिंग एक्शन, इधर स्मार्ट मनी ऑपरेटर एंटर हुए, वो अभी डाउन ट्रेंड में ही बाय करते, तो इधर बाय किए। फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब जो रिएक्शन होता है, जो पुल बैक वो स्ट्रेंथ शो करता है विथ वॉल्यूम, और सबसे बड़ा पुल बैक ये रहेगा, ये छोटा ये छोटा ये सबसे बड़ा पुल बैक रहेगा। फिर अगेन इधर प्राइस टेस्ट करेगा ये सपोर्ट रीजन को, अगर फिर भी ये मूव में सेलर्स है डाउन में, तो अगेन सेम प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे चलेगा। अगर ये डाउन मूव में सेलर्स नहीं है, सपोज ये डाउन मूव में 1000 सेलर्स था, ये सेकेंड डाउन मूव में आगे 800 सेलर्स, और थर्ड डाउन मूव में सपोज 200 को आ गए, तो ये आपको वॉल्यूम में पता चल जाएगा कि वॉल्यूम से ये कितना वॉल्यूम में डाउन हो रहा है। अगर ये पहले 1000 था, फिर 800, फिर 200, तो ये हमको पता चल रहा है कि ये रेंज में सेलर्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब प्राइस इधर एक्युमुलेशन हो रहा है, और जो रेंज बन रहा है वो एक्युमुलेशन फेज है, प्राइस ऊपर जाएगा, और लास्ट में ये टेस्ट करेगा उस रेंज के नीचे जो कि सेलर्स इसके नीचे है क्या, जो ब्रेकआउट सेलर्स, अगर नहीं है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, हायर है हायर लो बना है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसे देखना है आपको, प्राइस लोअर है लोअर बन लो बना के चल रहा है, फिर अगेन ये देखिए ये छोटा सा करेक्शन, इसका रेंज इतना देखिए, और अभी ये फास्ट करेक्शन उसका रेंज देखिए, तो ये जो रेंज में ये स्टॉपिंग एक्शन, अगेन प्राइस ऊपर चला गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे, ये एक रेंज में बना, तो प्राइस ऐसे घूम अप डाउन, ये एक पैटर्न बना। ये टेस्ट किए, फर्स्ट टेस्ट सेलर से, तो फिर नीचे आया, अगेन टेस्ट किए इधर, अगर सेलर्स नहीं है प्राइस ऊपर चला गया, ये रेंज को ब्रेकआउट देगा, अगर ब्रेकआउट देके इसे ऊपर, ये एक्युमुलेशन फेज है डाउन ट्रेंड, ये एक्युमुलेशन फेज, जैसे कि पहले से डिस्कस किए कि एक्युमुलेशन पैटर्न बहुत सारे है, जैसे कि राउंडिंग बटन, हेड एंड शोल्डर, डबल बटन, ट्रिपल बटन, ये हमको चार्ट पैटर्न हम रहेगा टॉपिक, उसमें पूरा जितने भी पैटर्न है, एक्युमुलेशन या कंटिन्यूअस पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न जो भी है, सब हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अप ट्रेंड, ऐसे ही जब एक्युमुलेशन फेज खत्म हो जाएगा, सेलर्स खत्म हो गए, तब जब कंडीशन सब सही है, तब मार्केट ऊपर चला जाएगा, उसको ऊपर हायर है हायर लो बना के जाएगा, उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड हायर हायर लो बना के, ये एक्युमुलेशन, अभी इसको चार्ट पैटर्न वैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ये एक्युमुलेशन फेज, फिर जब ब्रेकआउट दिया, एक्युमुलेशन खत्म हुआ, जो एक्युमुलेशन प्राइस ऊपर चला गया, टेस्ट किया ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करके, फिर ऊपर चला गया, तो ये या हायर हाई हायर लो बना के प्राइस ऊपर चला गया, तो डाउन ट्रेंड एक्युमुलेशन अप ट्रेंड, ये प्रोसेस है तो मार्केट फेज का, फोर फेज, डाउन ट्रेंड एक्युमुलेशन अप ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम एक्युमुलेशन का अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड सेम अपोजिट ऑफ अप ट्रेंड। तो हम पहले एक जो मार्केट साइकिल और फेजेस, इसको हम एक ग्राफ में डिस्कस करते हैं। ये ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड मतलब अभी रिटेलर्स सेल कर रहा है जो डर के, अभी जैसे पैनिक होके पूरा मार्केट वो डाउन हो गया, तो कौन सेल करे, रिटेल सेल करे और ऑपरेटर बाय करे, एक सेल करेगा तो दूसरा आदमी बाय करे, आप ही सोचिए इतना डाउन मूव जा रहा है, डाउन हो रहा है मार्केट, तो कौन बाय कर रहा है। ओवरसोल्ड मतलब जो पैनिक
जब रिटेलर पैनिक होकर सेल करेंगे, उनको मैच करके ऑपरेटर बाय करेगा, अकुमुलेट करेगा, फिर प्राइस जब उनका अकुमुलेशन खत्म हो जाएगा, वो ओवरसोल्ड रीजन से ऊपर जाएगा, मार्कअप जाएगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में क्या है, जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और ओवरबॉट क्या है कि फिर रिटेलर ग्रीड आ जाएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर ही चला जाएगा स्पेस तक, इसलिए वो बाय करेगा। और ग्रीड ग्रीड में अभी क्या करेगा, उतना सेल कौन करेगा, उतना ऊपर जाने के बाद फिर स्मार्ट मनी या ऑपरेटर वो सेल करेगा, उसको ओवरबॉट रीजन बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फिर डाउन ट्रेंड। तो हमारा काम ये है कि स्मार्ट मनी ऑपरेटर कहाँ है और क्या कर रहा है। अगर अप ट्रेंड में है और अप ले रहा है तो हम उनके साथ ही जाना है। तो ये प्राइस साइकिल और फेजेस ऑफ मार्केट, ये पूरा साइकिल है। डाउन ट्रेंड, अकुमुलेशन, अप ट्रेंड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली एवरी टाइम फ्रेम में चल रहा है। आप या डेली ले हो, 30 मिनट्स लो या 5 मिनट लो, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे ही देखिए, सेम फियर, ग्रीड, होप पहले से था, अभी भी है और आगे रहेगा। तो ये तीनों चीजों में मार्केट चल रहा है। अगर हाँ, रिटेलर फियर है सेल करेगा, ऑपरेटर बाय करेगा, ग्रीड है वो बाय करेगा, ऑपरेटर सेल करेगा, और हमेशा ऑपरेटर सही होते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड, हम तो फेज पता चल गया। अभी ट्रेंड फेज में है, अकुमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। ऐसे ही ट्रेंड में जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो भी 3 टाइप्स का है, हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अप ट्रेंड, प्राइस हायर हाई, हायर लो, अप ट्रेंड। ये लोअर हाई, अभी भी अप ट्रेंड है क्योंकि लोअर लो बनने से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। डाउन ट्रेंड मतलब लोअर हाई, लोअर लो। जब ये उसको ब्रेकआउट दे दिया तो ये लोअर लो बन गया, तो ये डाउन ट्रेंड अगेन स्टार्ट हुआ। अगर अप ट्रेंड बनना है तो फिर प्राइस हायर लो बनना है, हायर लो, हायर हाई। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये अप ट्रेंड है। हमको ट्रेंड एनालिसिस क्यों करना है, सिंपल है। अगर ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंड है तो हम बाय करना है। अगर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज में है, तो हमको दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करना है, ना कि बाय करके बैठ जाएंगे। 90% लोगों फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट एंड रेंजिंग मार्केट, ये दोनों को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मार्केट ओपन हुआ है, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 10-15 मिनट में आपको पता चलना चाहिए कि आज ये ट्रेंडिंग मार्केट होगा या रेंजिंग मार्केट होगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो बाय लो सेल हाई करिए, अगर रेंज मार्केट है तो आपको देखिए रेंज कितना बड़ा है, बड़ा रेंज है तो बाय लो सेल हाई, अगर ट्रेंडिंग है तो बाय पुल बैक। सेकेंड चीज ये कि ट्रेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रांग ट्रेंड है तो रियली वो पुल बैक करेगा, वो पुल बैक फ्लैट पुल बैक है, वो ज्यादा नीचे नहीं आएगा। अगर वीक पुल ट्रेंड है, मैं स्ट्रांग ट्रेंड के बाद बोलो, स्ट्रांग ट्रेंड ऐसे है तो ज्यादा पुल बैक नहीं करके फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा। अगर वीक ट्रेंड है तो प्राइस ऐसे आएगा, नीचे ज्यादा करेक्ट होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर करेक्ट होगा, ज्यादा करेक्ट होगा, मतलब उसका ये जो हाई को ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, जो जो ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा, फिर डीप रिट्रेसमेंट करेगा, ये वन वीक ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो पहले आपको ट्रेंड को पता चलना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, और जो पुल बैक डिस्कस करिए इधर, ये जो टाइम करेक्शन, टाइम करेक्शन मतलब फ्लैट पुल बैक, प्राइस करेक्शन मतलब जो एंगल पुल बैक, डायगनल पुल बैक। जो पुल बैक का कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा बड़ा कैंडल देकर नीचे आ रहा है या छोटा छोटा कैंडल में, अगर छोटा छोटा कैंडल में आ रहा है नीचे तो ये एक वीक पुल बैक है, प्राइस ऊपर जाएगा, और ऐसे बड़ा बड़ा पुल बैक आ रहा है तो मतलब ही नहीं, ये तो पुल बैक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, मे बी कॉम्प्लेक्स पुल बैक जाएगा। तो इसलिए ट्रेंड आपको पता चलना चाहिए, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है, वीक ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है,
डिटरमाइनिंग मार्केट ट्रेंड अकॉर्डिंग टू डो थ्योरी, मार्केट हैज थ्री ट्रेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, शॉर्ट टर्म। प्राइमरी ट्रेंड मतलब वो डोमिनेट करता है, वो मेजर ट्रेंड है। सेकेंडरी ट्रेंड मतलब मेजर ट्रेंड का करेक्शन को सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मतलब सेकेंडरी ट्रेंड का फिर करेक्शन। व्हिच टाइम फ्रेम इज बेस्ट, अगर ट्रेंड हम चेक करना है तो टाइम फ्रेम भी चेक करना है कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट। आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम चेक करना है कि ट्रेंड क्या है, हायर है हायर लो। जनरली मैक्सिमम डेली टाइम फ्रेम को ट्रेंड मानते हैं, मेजर ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड डेली का करेक्शन 30 मिनट्स लीजिए, 30 मिनट्स उसका सेकेंडरी ट्रेंड है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, 5 मिनट्स। अगर डेली मेजर ट्रेंड हुआ, डेली मेजर ट्रेंड हुआ 30 मिनट्स, सेकेंडरी ट्रेंड 5 मिनट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो ये सपोज मेजर ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड प्राइस हायर लाए, ये बना है, ये प्राइमरी ट्रेंड का रिट्रेसन रिट्रेसमेंट, ये सेकेंडरी ट्रेंड। अगेन सेकेंडरी ट्रेंड का स्ट्रक्चर हायर है हायर लो, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड। आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो हम चार्ट में चलते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये निफ्टी 50 चार्ट है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। इसका ये सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड लोअर है, लोअर लोअर डाउन। प्राइमरी ट्रेंड का करेक्शन सेकेंडरी ट्रेंड होता है, ये जो करेक्शन मूव है ये सेकेंडरी ट्रेंड है। ये सेकेंडरी ट्रेंड था जो आप पहले स्लाइड में चेक किए थे, पिछले स्लाइड में, तो उसका करेक्शन शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। ये जो सेकेंडरी ट्रेंड है उसका 30 मिनट स्ट्रक्चर ये है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड। उसका करेक्शन जो है, ये उसका करेक्शन है, ये उसका करेक्शन है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अल्टीमेटली हमारा काम ये है कि ट्रेंड फाइंड आउट करना है और ट्रेंड का लोकेशन फाइंड आउट करना है, कहाँ हमको एंट्री लेना है। तो कुछ टूल्स हम जो यूज करेंगे कि ट्रेंड फाइंड आउट करना है और लोकेशन, उसके लिए हमको स्विंग स्विंग जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ट्रेंड या प्राइसेशन जो भी आप एनालिसिस कर रहे, ये स्विंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्विंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, गैप्स, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और लास्ट में सिग्नल कैंडल पर एंट्री। इतना सारे हम स्टडी करने के बाद हमको अल्टीमेटली आपको प्राइस एक्शन एंट्री लेना है कि आपको सिग्नल कहाँ दे रहा है कि आपको एंट्री लेना है। तो ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिग्नल कैंडल पर एंट्री। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम एक एक को पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, अभी तक जो बेसिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।